ग्वालियर की सीपी कॉलोनी में घर के अंदर अवैध रूप से गर्भ परीक्षण की मशीन मिली है, जिसके बाद में एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की है और मशीन को जब्त कर लिया है। वहीं आरोपी अभी फिलहाल फरार हो गए हैं, लेकिन इस मामले में इतना तय माना जा रहा है कि घर के अंदर ग्वालियर में लिंग परीक्षण करने की मशीन मिलना यह एक बड़ी बात है। ये क्या सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई की? आज हमें शीतला कॉलोनी में इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन की सूचना मिली थी, जिसके संबंध में हम मौके पर पहुंचे। हमारी टीम मौके पर पहुंची और हमारे साथ में जो पीसी पीएनडीटी की नोडल डॉक्टर है वो भी साथ में पहुंची। यहाँ पर मौके में हमें एक चाइनीज़ मेक का अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिला हुआ है। साथ में यहाँ मौके पे एक टेक्नीशियन कम जो व्यक्ति इस मशीन को ऑपरेट कर रहा था और एक गर्भवती महिला भी मिली है। टीम के आगमन पर वो पीछे के दरवाजे से फरार हो गए, परंतु जो मशीन है उसका हमने जब्ती का पूरा कार्रवाई कर लिया है और उस व्यक्ति का वीडियो भी हमारे पास में, जिसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैं कल से ही प्रयासरत थी, ये सूचना मुझे कल मिली थी कि कहीं सीपी कॉलोनी में ऐसा कुछ परीक्षण होने वाला है। मैं एडवाइजर कमेटी में मेंबर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, इस नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं सच्चाई सामने लेकर के आऊँ और समाज में एक बच्ची भी अगर बचा सकूँ, इसका मेरा प्रण है। और जहाँ तक है, मैंने इसमें पूरा प्रशासन को, सभी लोगों को इतला किया, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मीडिया आया, मीडिया ने मेरा साथ दिया और सभी मीडिया के लोग करीबन 2-3 घंटे लगातार मेरे साथ रहे। और प्रशासन आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन प्रशासन का भी सहयोग एंड में मिला मुझे। जैती मैडम आई, बिंदु सिंगल मैडम आई और टीआई साहब और एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने भी सहयोग किया और सारा पुलिस का प्रशासन भी मेरे साथ रहा। और हम लोग यहाँ पर इस सब की सफलतापूर्वक हम लोगों ने मशीन को जब्त किया है।